अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? तो आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में ये मज़ेदार सी ब्राउनी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ फज ब्राउनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे 200 ग्राम है चॉकलेट, इसको हम ऐड कर देंगे बाउल में। और ये 100 ग्राम है बटर, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को मेल्ट कर लेंगे, यानी कि इसको माइक्रो में रख के 30 सेकेंड के लिए तो गर्म कर लेंगे जी। तो ये मैंने माइक्रो में रख के ना मेल्ट कर लिया, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि बटर और चॉकलेट अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। मैं विदाउट बीटर बना रही हूँ, आप लोग चाहो तो बीटर के साथ बना लीजिएगा। ठीक है जी, ये हो चुकी है। अब इसमें आइसिंग शुगर डाल देंगे, 100 ग्राम है, ये ऐड कर दूंगी। कोई मिक्स कर देंगे। जी तो अब इसमें मैं एक एक करके अंडा ऐड कर दूंगी, दो अंडे ऐड करने हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब दूसरा अंडा ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। मैं क्या नाम, मैं बीटर के बगैर इसलिए बना रही हूँ कि जिनके पास बीटर नहीं है वो आराम से ये रेसिपी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बीटर हो तो केक बनते हैं, ब्राउनीज बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके पास ये चीज़ें नहीं भी होती वो भी बना सकते हैं जी। तो अब इसको साइड पे कर देंगे। तो हम अब मैदा और कोको पाउडर वगैरह दिखाते हैं जी। तो मैदा लेंगे हम 3/4 कप। 3/4 कप ये है कि हमने क्या नाम है, 1 कप में से 2 टेबल स्पून निकाल लेना है, तो उसको बन जाएगा 3/4 कप। और हम इसमें जो 2 टेबल स्पून निकाले होंगे उसके हमने डालने हैं कोको पाउडर के, 2 चम्मच ये डाल देंगे कोको पाउडर। ठीक है जी, अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब इसमें ऐड करते हैं, इसमें डायरेक्ट माने रखें, मिक्स करते हैं। बाकी भी इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। और हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बीट का, क्योंकि हमने केक नहीं बनाना, ब्राउनी बनानी है। ब्राउनी को होती है उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, अगर हम ज़्यादा बीट करते रहते ना तो ये हमारी केक की शक्ल ले लेता है। देखिए, हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे तो ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बैटर हमारा अच्छी तरह बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमने रख दिया था बाउल, इसको मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो अपना वो जो होता है ब्राउनी बाउल आप वो भी ले सकते हैं, मैंने शीशे का लिया है। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ सारा बैटर। अब बैटर देखिए, माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा बना है। जी तो इसको अच्छी तरह से बिल्कुल साइडें वगैरह इसकी कवर कर दीजिएगा, एक जैसा बैटर रखिएगा।
जी, तो हमने सारा बैटर इसमें डाल दिया। ये देखिए इसके ऊपर जो ये बबल्स आ रहे हैं ना, इसको ना रिमूव कर दीजिएगा, ऐसे करके ना ये सारे रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमने केक थोड़ी बनाना है जो हमें बबल्स वगैरह ऊपर आएंगे, ये हम रिमूव कर देंगे सारे। जी तो ये देखिए मैंने सारे निकाल दिए बबल्स वगैरह, ठीक है जी। और ये मैंने पहले से ही प्रीहीट करके रखा हुआ था, आप चाहो तो पतीली में रख ले, किसी में भी रखते, मैंने पैन में रखा हुआ है। ये देखिए इसके अंदर मैंने वो रखा हुआ है, क्या नाम है, स्टैंड रखा हुआ है, पहले से प्रीहीट कर चुकी थी 15 मिनट, जब तक ये हमारा बैटर बन रहा था तो ये प्रीहीट होता रहा है, ठीक है। अब हम इसमें रख देंगे बैटर को और 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम बनने देंगे। जी तो ये हमारी ब्राउनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इस पर पूरे 30 मिनट लगे हैं, क्योंकि हमने विदाउट ओवन बनाई है, तो हमें 20 से 25 मिनट नहीं बल्कि पूरे 30 मिनट लगे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारी ब्राउनी तैयार है। अभी मैं निकाल देती हूँ इसको। जी तो ये हमारी फर्स्ट ब्राउनी बिल्कुल तैयार है, हमने निकाल दी है इसको, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये भी मैंने इसमें से नहीं, बाउल से नहीं बिल्कुल निकाली, क्योंकि बहुत गर्म है, अभी ठंडी होगी तो मैं बाउल से निकालूंगी और इसको काट के आपको दिखाती हूँ। जी तो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितनी सॉफ्ट माशाल्लाह हमारी ब्राउनी बनी है। जी आप लोग भी ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। जी ये देखिए अच्छी बनी है, अभी मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए तो ये ब्राउनी देखिए मैंने कटिंग करके रख दी है, बहुत अच्छी बनी है, ये आप चेक कर सकते हो कितनी सॉफ्ट बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आप कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।